आज मैं आपको आलू का चिप्स बनाने के लिए बता रही हूँ। आलू सब्जियों का राजा है, ये तो जानते ही हैं, लेकिन आज मैं इसका चिप्स बना के रहूँ। आलू का चिप्स भी बनता है, चोखा भी बनता है, सब्जी भी बनता है, हर चीज़ बन जाता है आलू का, जो चाहे सो बन जाता है। तो हलवा भी आलू का बनाते हैं हम लोग। तो ये हम आज चिप्स बनाने के लिए बता रही हूँ। आलू को अच्छी तरह से पहले मैं धो ली, उसके बाद पानी से धो के उसके बाद पूरा छिलका मैं निकाल ली, पानी से पूरा धो के छिलका उतार के उसके बाद कद्दूकस से उसको कस ली। कसने में भी डिजाइन रहता है, प्लेन रहता है, सब रहता है, ये मैं कस ली हूँ। और कस के फिर मैं दो पानी से धोई थी, पानी से धो दी। जो क्या धोने से क्या फ़ायदा होता है कि चिप्स ख़राब नहीं होती है, काला नहीं होती है। और उसके बाद हम लोग गैस पे पानी चढ़ाई, पानी खूब उबलने लगता है तब उसमें मीठा सोडा डालती हूँ। मीठा सोडा डालने से ये थोड़ा हल्का हो जाता है, कड़ापन नहीं रहता, जल्दी सीख भी जाता है। मीठा सोडा दे के उसके बाद मैं इसको आलू को चिप्स को कसा हुआ चिप्स को उसमें डालती हूँ। 10 मिनट के अंदर ये सीझ जाता है। देखिए ये मेरा सीझा हुआ है, देखिए ये मेरा सीझ गया है। सीझा हुआ आलू जब हो जाता है तब मैं इसको निकाल लेती हूँ, उसका पानी से निकाल के पानी निकलने के लिए थोड़ा देर छोड़ देती हूँ, 2-4 मिनट 5 मिनट। उसके बाद मैं इसको धूप में सुखाती हूँ। जब मेरा 4-5 घंटा में ये सूख के रेडी हो जाता है, सूखने के बाद मेरा तैयार हो जाता है। फिर इसको हम लोग साल भर भी रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रख रखाव से 2 साल भी यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। कभी चाय के साथ खाने में, कभी बच्चे को लंच देने में बहुत ही सुविधा होती है। अक्सर दोस्तों हम लोग चाय के साथ भी ले लेते हैं, तो ढेर सारा बना के हम लोग अपने डब्बा में बंद कर देते हैं, एयर नहीं जाए, हवा नहीं जाए डब्बे में, वैसे डिब्बा में पैक कर देती हूँ, जो कि सुरक्षित मेरा साल भर चल जाए या जितना दिन रख सकें वो चल जाए। तो ऐसे हम लोग तैयार करते हैं चिप्स को, और ऐसे हम लोग बना के रखते हैं। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को देखते रहें दोस्तों, और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। बस आज इतना ही।